डे एक्सक्लूसिव रूम है। ये क्या है? सो ये है हमारा हॉस्टल को सामुई का US हॉस्टल, जहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे था। और ये हमारा कॉमन एरिया है। सो अभी हॉस्टल का टूर करते हैं। आज सुबह हम निकलेंगे को ताओ की ओर, और हॉस्टल वालों ने ही टैक्सी अरेंज कर दी थी, तो आप हॉस्टल के रिसेप्शनिस्ट से बात करके पहले इन एडवांस टैक्सी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप टैक्सी बुक नहीं कर सकते फ्रॉम बोल्ट या ग्रैब्स के ऐप से, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। सो इट इज़ बेटर टू बुक इन एडवांस। तो ये है हमारा हॉस्टल का टूर। तो अभी हम जा रहे हैं को ताओ के फेरी पकड़ने के लिए। और को तो को ताओ? यस, वी आर गोइंग टू को ताओ। और ये काफ़ी बड़ा सा, हम दो जन हैं, पर काफ़ी बड़ा सा ये वैन है, और पर पर्सन ये चार्ज करते हैं 150। पूरे थाईलैंड में ऐसे ही सब वैन चलते हैं बहुत सारे, जहाँ पे 10 से 12 लोग आराम से बैठ पाएंगे। आप देख पा रहे हैं इंटीरियर जो सीलिंग है कितना खूबसूरत दिख रहा है लाइट जलाने के बाद, रात में और भी मस्त दिखता है। सो इट वॉज़ ए ग्रेट। तो अभी हम आ गए हैं को ताओ जाने के लामफ्रन पियर। लामफ्रन पियर का जो मेन मतलब फेरी है उसका नाम है लोमफ्राया, और ये उसके टिकट काउंटर है। सो कुछ 700 बात लिखा था, लेट्स सी काउंटर पे पता चला है कि कितना एग्जैक्टली है। सो यहाँ से को ताओ खो नांग्यान जाने के लिए टिकट मिलती है। चेक इन लिखा है। दिस इज द बैगेज एरिया। और ये पार्किंग लॉट है लामफ्राया पियर का, और ये बोर्ड पे यहाँ पे लिखा है लामफ्राया को सामुई। और अभी हमने टिकट ले ली काउंटर से, 700 थाई बात ही रहा। और अभी अपने लगेज लेके जा रहे हैं अपनी स्पीड बोट में को सामुई से को ताओ जाने के लिए। पूरी जो ड्यूरेशन है को सामुई से को ताओ कुछ 2.5-3 घंटा का है। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। स्पीड बोट है तो इसलिए जल्दी पहुंचा देगी। ये स्पीड बोट जो है काफ़ी अमेजिंग है देखने में। सो जो लगेज सेक्शन है वो है स्पीड बोट के आगे, तो जो बड़े सामान है वो आगे रखा जाता है, और अगर आपके पास हैंड बैगेज है तो आप कैरी करके ले सकते हो। सो डायरेक्ट टिकट आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा है lomphraya.com। चलते हैं अंदर। और ये बैठने का सेक्शन है, और यहाँ पे अंदर में VIP सेक्शन लिखा गया है, 100 थाई बात एक्स्ट्रा। AC है और थोड़ा कंफर्टेबल चेयर है बस। और अभी हमारा स्पीड बोट जो है वो डिपार्ट कर चुका है को सामुई से। को सामुई का प्रलान पियर जो था उससे डिपार्ट कर चुका है, और नाउ इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स को ताओ। और ये कुछ व्यू है बीच समंदर का, काफ़ी भरा हुआ है हमारा स्पीड बोट। बाहर जो सेक्शन है बैठने का वो पूरा फुल ही है पूलने से। अभी नीचे वाला सेक्शन है स्पीड बोट का, टॉयलेट है, और ये कुछ व्यू है नीचे वाला। सो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है अभी हमारा स्पीड बोट, बट ये अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा हिल डुल नहीं रहा है जो समंदर के बीच में मोस्टली होता है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है इसकी। जा रहे हैं हम अपर डेक पे, शानदार नज़ारा है यहाँ का, और ज़बरदस्त तेज़ी से हवा भी बह रहा है। सो थोड़ा चलने में कैमरा पकड़ के डिफ़िकल्टी हो रही है।
हवा के साथ साथ ऊपर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप भी था, सो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ऊपर बैठा नहीं। कोसामुई से होता हो जाते आते कोफंगानाकी, कोफंगान इज फेमस फॉर फुल मून पार्टी, मीन्स साउथ एशिया का सबसे बड़ा पार्टी होता है और ये सिर्फ फुल मून और हाफ मून के टाइम होता है। तो अभी कोफंगान से भी कुछ लोग चढ़ रहे हैं और फिर जाएगा कोताओ, तो अभी जिस एरिया में बैठे हैं और कुछ लोग उतरेंगे भी, ये है मतलब नॉर्मल जनरल क्लास अंदर वाली जो एरिया है जहाँ से लोग निकले, दैट इज़ VIP। सो अभी हमने कोफंगान छोड़ दिया है और कोताओ की ओर चल पड़े हैं। वाली जो एरिया है अंदर वाली, ये है फर्स्ट क्लास एसी, एसी वाला एरिया है एंड एक्सक्लूसिव रूम है। ये क्या है, यहाँ पे अच्छे खासे टीवी लगे हैं, एक्सक्लूसिव रूम, एसी वाला एरिया पूरा, तो इसमें 200 थाई बात एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं और पहले वाले में 100 थाई बात एक्स्ट्रा। सो कोताओ पहुंचने से पहले एक बहुत ही सुंदर सा आइलैंड आता है, उसको कहते हैं कि नांग युआंग आइलैंड। अब यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स हैं सो इसके वजह से यहाँ पे रुकता है और फिर नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो है कोताओ। और अभी हम आ गए मे हैग पियर में, कोताओ का जो एकमात्र पियर है मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, और इन लोग एंकर भी लगा दिए हैं और उस तरफ देखे तो बहुत सारे पैसेंजर वेट भी कर रहे हैं शायद। और ये पहुंच गए हम कोताओ में, आगे सारा लगेज रखा जाता है, बड़े बड़े जो लगेज है, ट्रॉली बैग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हमारे बैग को बाहर ही कर दिए, दिस वाज द स्पीड बोट। यहाँ पे नेक्स्ट पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं। और ये कोताओ का टिकट काउंटर है, 12GO वेबसाइट से भी आप बुक कर सकते हैं और ये उनकी टाइमिंग है, हाई स्पीड लॉन्ग फ्लाइट कोताओ से चुपवान, कोताओ से हुआहिन, कोताओ से बैंकॉक, कोताओ से कोसामुई और कोफंगान, ये सब उसके प्राइस भी है। सो कुछ ऐसा था मेरा खूबसूरत सा सफ़र स्पीड बोट में कोसामुई आइलैंड से कोताओ आइलैंड तक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे बताएं और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना भी ना भूलें। मेरे साथ वर्चुअली घूमने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं जल्दी और एक नए वीडियो में, टिल देन विश यू ए सेफ ट्रैवलिंग।